हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समाचार नगरी। तो आज हमारी गेस्ट है अ फेमस सिंगर एंड एक्ट्रेस, मिस अमिता शेख। सो हाउ आर यू अमिका? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड गुड। सो कैसा जा रहा है ये पैंडेमिक का टाइम? इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज 24 आवर्स इन होम, सो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर एवरीवन। या इज एब्सोल्युटली राइट। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, टेल मी अबाउट योर करियर, अबाउट सिंगिंग एंड एक्टिंग। कैसे इस करियर की शुरुआत हुई आपकी? ओके, सो आई स्टार्टेड माय जर्नी एज अ सिंगर। आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ यू नो डूइंग एक्टिंग। तो बचपन से ही, मैं 5 साल की उम्र से ही मैं गाना सीख रही हूँ एंड आई एम ट्रेंड इन क्लासिकल म्यूजिक एंड आई बिलोंग फ्रॉम कैलकटा। तो कैलकटा में तो हर घर में म्यूजिक का एक माहौल होता ही है बचपन से, एंड मेरा भी वैसा ही कुछ था। तो बचपन से ऐसा नहीं था कि प्रोफेशनली सिंगिंग करना है, इट वॉज ऑलवेज लाइक के सिंगिंग करना है, अच्छा सिंगर बनना है, दैट्स इट। एंड आई स्टार्टेड प्रोफेशनली, मतलब थोड़ा सा प्रोफेशनल जब से शुरू हुआ वो रियलिटी शोज से शुरू हुआ। आई स्टार्टेड लाइक आई हैव डन जी टीवी सारेगामापा एंड वॉइस ऑफ इंडिया लिटिल चैंप एंड भारत किशन, इंडियन आइडल 7। सो आई हैव डन मेनी रियलिटी शोज इन माई चाइल्डहुड। सो बॉम्बे और कोलकाता की जर्नी बचपन से ही है एंड फाइनली आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई शिफ्टेड इन मुंबई फॉर द रियल स्ट्रगल एंड बहुत बहुत सालों की मेहनत है। सिंगिंग में एक प्लेबैक सिंगर बनना था मुझे एंड फाइनली आई गॉट माई प्लेबैक सॉन्ग आफ्टर आई थिंक 5 years इन मुंबई। फिल्म का नाम था वेडिंग एनिवर्सरी और सॉन्ग का नाम था इत्तेफाकन। तो वो मेरा पहला गाना था एज अ प्लेबैक सिंगर एंड दैट्स हाउ माय सिंगिंग जर्नी गॉट स्टार्टेड। उसके बाद एक्टिंग का जो है वो पिछले 2 साल से है। सो इट वॉज नेवर इन माई ड्रीम, इट वॉज नेवर इन माई प्लान, बट इट वॉज जस्ट हैपेंड एंड आई एम जस्ट एंजॉयिंग द फ्लो। सो या, दिस इज लाइक ब्रीफ जर्नी अबाउट मी। That's great, great. So, इतना struggle करने के बाद, you are a famous singer and actor. So, do you remember your first audition? Yes, I remember. TV के लिए मैंने पहला audition किया था and it was too funny for me because TV में बहुत कुछ over होता है, loud होता है। तो script देख के बहुत हंसी आई थी पहली बार तो, and it was so much comedy thing for me. एंड बट मैंने ऐसे ही मजे मजे में ऑडिशन दिया। आई वॉज नॉट रेडी एज एन एक्टर दैट टाइम। मैंने तो बस ऐसे ही मजे मजे में शुरू किया था कि चलो ऑडिशन देते हैं, मजा आएगा, कुछ एक्सप्लोर करते हैं। बट आई वॉज नॉट रेडी एज एन एक्टर, आई वॉज नॉट रेडी, मतलब बॉडी वाइज भी आई वॉज नॉट रेडी। आई वॉज चॉबी एंड मोटी थी तब बहुत। तो उसके बाद मैंने खुद को ग्रूम किया एंड एक्टिंग कैपेबिलिटी को अभी पॉलिश किया, लोगों को काफी एक्टर्स को देख के मैंने बहुत कुछ सीखा। Then I, you know, got into something के चलो कुछ acting में भी अच्छा हो रहा है, audition देते देते polish होते होते and finally I got my first जो show मिला था मुझे TV में वो था उड़ान। So color TV पे आता था। So that was my first debut in acting. Oh, very nice. So tell me about your experience. आपने मिर्जापुर web series में काम किया है, so कैसा क्या एक्सपीरियंस था? गुड्डू भैया, पंकज त्रिपाठी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? तो मिर्जापुर में जो सीन था उसमें सिर्फ दिव्येंदु था, उसमें तो पंकज सर थे नहीं, तो पंकज सर के साथ मुलाकात नहीं हुई सीन में। और अच्छा, तो आप मतलब मिले नहीं उनसे, कुछ इंटरेक्ट नहीं हुआ आपका? नहीं नहीं, पंकज सर से नहीं हुआ था, सिर्फ दिव्येंदु से हुआ था बिकॉज दिव्येंदु वाज ओनली इन द सीन। तो इट वॉज वेरी नाइस, वेरी अमेजिंग सेशन, मतलब शूटिंग विद देम बिकॉज दे आर अमेजिंग एक्टर। द सेट वॉज लैविशिंग एंड मेरा जो पार्ट था वो सिंगर का था। तो वो मेरी पहली बिगेस्ट वेब सीरीज थी मिर्जापुर 2 एंड वो भी बहुत कोइंसिडेंटली सडनली मुझे मिल गया था। आई नेवर थॉट कि मुझे इतनी बड़ी सीरीज इतनी जल्दी मिल जाएगी, बट आई गॉट बाय गॉड ग्रेस एंड it was amazing shooting with Divendu. और Divendu के साथ तो मेरा सीन भी है, so I enjoy shooting with them. It was lovely, lovely. Oh, तो आपने अक्षय कुमार के साथ भी काम किया है, तो वो जितने टीवी स्क्रीन पर जितने वो कॉमेडी करते हैं, तो वो क्या रियल लाइफ में भी वो ऐसी हैं?
या ही इज वेरी सिंसियर एक्टर एज आई नो, एंड मैंने जैसे उनको सेट पे भी देखा था, ही इज वेरी सिंसियर, वेरी पंक्चुअल अबाउट टाइम एंड एवरीथिंग. तो मेरा जो सीन था वो पूरे दिन का सीन था, और वो बस कुछ ही टाइम के लिए आए थे, लंच टाइम पे, एंड हमारी मुलाकात बस उतनी ही थी कि बस कुछ ही टाइम के लिए आए, एंड उन्होंने शॉट दिया एंड वो निकल गए, एंड देन वी कंटिन्यूड आवर शूट. तो हमारी मुलाकात ज्यादा देर तक हुई नहीं, बस वो लंच टाइम पे आए थे एंड वी हैड अ गुड चैट सेशन एंड दैट्स इट. ओके ओके, अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने आईपीएल 2016 में एक सॉन्ग गाया है हियर वी गो करके, सो कैसा एक्सपीरियंस था, एंड डू यू लाइक क्रिकेट और समथिंग, कौन सा फेमस क्रिकेटर है आपका? मेरा फेवरेट क्रिकेटर अगर कहा जाए तो आई लाइक विराट कोहली. आई लाइक, वो तो सबका ही फेवरेट है. ही इज हैंडसम टू ना, दैट्स व्हाई. या सो जब आपने सॉन्ग गाया था तो कैसा एक्सपीरियंस था, कैसे क्या रिकॉर्डिंग हुई थी, थोड़ा उसके बारे में बताइए. वो जो रिकॉर्डिंग हुआ था वो गोरेगांव में हुआ था, एंड रिकॉर्डिंग में तो उतना कुछ खास होता नहीं है, देयर वाज ओनली लाइक मी एंड माय टीम. So okay, it was not that like happening kind of. I only recorded that song and I just shot that song in a recording studio only. So yeah, that's it. Okay, that's nice. So what things you had faced during your struggle? क्योंकि आपने काफी bold scenes भी किए हैं, right? तो कुछ ना कुछ तो face करने को मिला होगा, like on social media platform and other platform also. Yeah. So मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि मैंने अपना एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी टीवी से, और टीवी में तो उतना कुछ होता नहीं है, उतना स्कोप भी नहीं मिलता एक्टिंग का, एंड इट्स वेरी नॉर्मल थिंग इन टीवी. और मैंने वहां से जब वेब में शिफ्ट किया तो माय फैंस आल्सो गॉट शॉक के इतना ड्रास्टिकली कैसे मैंने एकदम सीरियल से गंदी बात फाइव. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट फॉर माई फैंस एज वेल के कैसे इसको किस तरीके से लिया जाए, इसको नेगेटिव वे में लिया जाए, पॉजिटिव वे में लिया जाए, एंड मेरे लिए भी बहुत अलग ही एक्सपीरियंस था वो. बट इट वॉज वेरी नाइस शूटिंग विद गंदी बात टीम, बिकॉज नाम भले ही गंदी बात हो बट द सीरीज वॉज, सीरीज इज अ बिग ब्रांड, एंड बालाजी का शो है, बहुत बड़ा शो है, बहुत बड़ा शो है ये. एंड आई बिलीव कि इतने बड़े ब्रांड के साथ काम करना बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि गंदी बात में काम करने के बाद ही मुझे इतने सारे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, बिकॉज पीपल गॉट टू नो मी एज एन एक्टर, एंड आई एक्सप्लोर लॉट ऑफ थिंग्स इन गंदी बात फाइव. और बहुत मुझे एक्टिंग का स्कोप मिला था वहां पे, जहाँ पे मैं अपनी एक्टिंग कैपेबिलिटी को दिखा सकूं, एंड मैंने अपना बेस्ट दिया था वहां पे, लोगों को बहुत पसंद आया था मेरी एक्टिंग, एंड काफी सारे फैंस ने मुझे मैसेज भी किया था कि आई लव योर एक्टिंग इन गंदी बात फाइव. तो आई थिंक गंदी बात फाइव लेने का डिसीजन बहुत सही था उस टाइम पे मेरे लिए, इट्स अ बिग ब्रांड. सो या ओके, सो इफ अमिका आप अभी अगर बॉलीवुड में नहीं होती तो आप क्या कर रही होती? एज आई टोल्ड यू आई स्टार्टेड माई करियर एज अ सिंगर, सो अगर मैं बॉलीवुड में नहीं होती तो डेफिनेटली आई मतलब मैं सिंगिंग ही करती ओनली, चाहे वो फिल्म सॉन्ग हो, चाहे वो मेरी ओरिजिनल सॉन्ग हो. क्योंकि मेरा एक खुद का यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे मैं एक्टिंग में आने से पहले काफी सारे म्यूजिक वीडियोज प्रोड्यूस कर चुकी हूँ खुद, तो वहां पे मैंने काफी सारे ओरिजिनल सॉन्ग्स किया है, कवर सॉन्ग्स किया है, देर इज सो मेनी फेमस कवर सॉन्ग्स ऑन माई यूट्यूब चैनल. सो या मैं सिंगिंग में अपना 100% फोकस रखती है, एंड बहुत सारे ओरिजिनल सॉन्ग्स भी करती. ओके ओके, और हमने सुना है 36 और मैना इज योर अपकमिंग वेब सीरीज, राइट? हमने उसका टीजर भी देखा है, तो किस टाइप की वेब सीरीज होगी, आपका किस टाइप का कैरेक्टर देखने को मिलेगा उसमें? इसमें जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ वो सेकंड लीड है, तो संदीपा धर इज इन फर्स्ट लीड, इज द हीरोइन ऑफ द शो, एंड आई एम द सेकंड लीड ऑफ द शो. तो मेरे कैरेक्टर का नाम है धानी, एंड मी एंड संदीपा इज अ नचनिया ऑफ दैट शो, डांसर जिसको बोलते हैं. तो मैं हम लोग बस विलेजेस में डांस के शोज करते रहते हैं, एंड ऑल द विलेजर्स आर लाइक क्रेजी फैन ऑफ अस, एंड दे आर क्रेजी अबाउट अस, बट वी आर लाइक संदीपा स्पेशली वॉन्ट टू मेक अ करियर इन बॉलीवुड, इन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री. सो शी ऑलवेज
शी ऑलवेज सपोर्ट मी के भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना है, पटना जाना है, हमें एक बहुत अच्छा फिल्मों में काम करना है, यहाँ पे पड़े नहीं रहना है. बट धानी इज ऑल अबाउट लाइक माई कैरेक्टर इज ऑल अबाउट लाइक ओके यार चल यार आई डोंट गिव अ डैम टाइम. एंड शी इज वेरी चिल आउट काइंड ऑफ पर्सन. शी इज ऑलवेज पैशनेट अबाउट लव, फ्रेंडशिप, सेक्स एंड ऑल दीज आजू बाजू के थिंग्स. एंड धानी इज ऑल नॉट एट ऑल सीरियस अबाउट करियर. शी डोंट वॉन्ट टू डू एनी फिल्म्स ऑर दिस थिंग. शी इज गोइंग विद द फ्लो एंड शी इज जस्ट डांसिंग अराउंड. She is very casual and bubbly character in that series. So I love that character in the series. Oh, that's great. So मेरा last question आपसे ये है कि आपने कभी इस Bollywood industry में या कहीं भी आपने कभी nepotism face किया है? See, nepotism तो definitely है, but फिल्मों में ज्यादा है, of course, because फिल्मों में मैंने जहां तक देखा है या फिर मैंने जहां तक एक्सपीरियंस किया है, इवन अगर ऑडियंस को भी पूछा जाए वो भी देख सकते हैं. हर एक फिल्म में कोई ना कोई स्टार किड ही मिलता है आपको. वहां पे न्यू फेसेस हार्डली लीड हीरो हीरोइन में देखा जाता है. तो आई थिंक नेपोटिज्म तो है लेकिन ओनली फिल्म में ही ज्यादा है. बट दिस डेज देर इज लॉट ऑफ स्कोप फॉर न्यू कमर्स लाइक इन OTT प्लेटफॉर्म्स, इन TV शोज. There is no nepotism as such because मैंने खुद experience किया है. मैं एक outsider होके बोल रही हूँ. मैंने अभी तक जो भी किया है अपने hardwork के through ही किया है. TV के लिए audition दिया है, TV में show भी किया है, OTT के लिए audition दिया है, OTT में इतने सारे web series कर चुकी हूँ. तो अगर यहाँ पे उतना ज्यादा nepotism होता तो मुझे नहीं लगता मैं काम कर पाती as an outsider यहाँ पे. तो OTT और TV show के अलावा शायद नेपोटिज्म है फिल्मों में, बट OTT और TV में उतना ज्यादा है नहीं. सो इसके लिए आई एम वर्किंग ऑन माई हार्ड वर्क एंड आई थिंक ऑल द न्यू कमर्स कैन वर्क ऑन OTT एंड TV बिसाइड नेपोटिज्म. ओके ओके. सो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी. आपने रियलिटी शो किए हैं बहुत सारे, राइट? तो वो उनके बारे में कुछ बताइए. क्या वो स्क्रिप्टेड होते हैं? कैसे क्या शूटिंग होती है उसकी? ओके, सो मैंने बहुत सारे रियलिटी शोज किया है और मैंने पहले भी एक इंटरव्यू किया था रियलिटी शोज के बारे में. यस, इट इज स्क्रिप्टेड. अभी तो ऑडियंस को भी पता चल गया, इट्स ऑल स्क्रिप्टेड. देयर इज नथिंग रियल इन रियलिटी शोज. एंड यस, इतने सारे रियलिटी शोज करने के बाद मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है, दे ऑलवेज टारगेट दैट दोज कंटेस्टेंट्स जिनके फाइनेंशियल इश्यूज है, जिनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, जिनके पेरेंट्स उसको सपोर्ट नहीं करते, जिनके मतलब काफी सारे मसालेदार चीजों को वो लोग टारगेट करते हैं. दे ओनली प्रायोरिटाइज दोस कंटेस्टेंट आल्सो. सो देयर इज नथिंग रियल इन रियलिटी शोज. इट्स ऑल अबाउट स्क्रिप्ट, इट्स ऑल अबाउट मसाला, इट्स ऑल अबाउट CRP किससे ज्यादा आएगा. सो दे टारगेट ऑलवेज दोस थिंग्स. एंड जहाँ इवन जहाँ पे वोटिंग सिस्टम होता है, कौन से स्टेट से ज्यादा वोट्स आते हैं, तो उसी स्टेट के कंटेस्टेंट को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है. तो यार रियलिटी शोज इज ऑल अबाउट मसाला एंड TRP दिस थिंग. ओके ओके अमिका. सो आप इतनी अच्छी गायिका हैं, हमने आपके काफी सारे सॉन्ग सुने हैं, तो लास्ट में दो लाइन हो जाए. गले में मारे फेरे पास आने को मेरे, गले में मारे फेरे पास आने को मेरे, कभी परखता नैन मेरे तो कभी परखता तो, कभी परखता नैन मेरे तो कभी परखता तो, अंबर सरिया मुंडे आवे कछिया कलिया ना तोड़, अंबर सरिया मुंडे आवे कछिया कलिया ना तोड़, तेरी माने बोले है मुझे तीखे से बोल, तेरी माने बोले है मुझे तीखे से बोल, अंबर सरिया. वाह वाह, वेरी नाइस. आई लाइक योर वॉइस. थैंक यू सो मच. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर. मुझे काफी अच्छा लगा पर्सनली आपसे इंटरेक्ट करके. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. सेम हियर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके.